हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीएड यूट्यूब क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश और आज मैं क्लास टेंथ के मैथ से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 161 पर है, एक्सरसाइज 7.1 से लिया गया है। तो स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहली बात तो हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं और उन तीनों पॉइंट हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चेक करना है कि ये जो वर्टेक्स दिया गया है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइडें बराबर हों, जिसकी कोई भी दो साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और चेक करके बताना है कि कोई भी दो साइड ऐसी है जो बराबर है। अगर कोई भी दो साइड बराबर मिलती है तो वो हमारे आइसोस्केल ट्रायंगल होगी, अगर कोई भी दो साइड बराबर नहीं मिलती है तो हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं होगी। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो इसमें हम यही करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करेंगे और किसी भी दो साइड को इक्वल बताएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी ये वर्टेक्स जो है वो ए है, तो ए का जो पॉइंट होगा वो 5, -2 होगा। इसी प्रकार से ये जो है ये बी है, तो बी का जो पॉइंट होगा वो 6, 4 होगा। इसी प्रकार से ये सी है, सी का जो पॉइंट होगा वो 7, -2 होगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ पे। लेट ट्रायंगल ए बी सी, हुज वर्टेक्स ए अंडर ब्रैकेट 5, -2 कॉमा बी 6, 4 एंड सी 7, -2 आर लाइज ऑन सेम प्लेन सो यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया कि लेट एबीसी या ट्रायंगल हुज वर्टेक्स ए 5, -2 बी 6, 4 एंड सी 7, -2 आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये हमारा प्लेन है, यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है और एबीसी जो है इस प्लेन में लाइज कर रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो किसको किसको डिस्टेंस फार्मूला पता है कृपया हाथ उठाएं। जिसको जिसको डिस्टेंस फार्मूला पता है वो अपने मन में बड़बड़ा के जरा बताएं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिला लीजिए कि आपने जो भी डिस्टेंस का फार्मूला बताया था वो सही है, सही था कि नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, यहाँ पर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, पावर इवन होने की वजह से आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बताया वो भी सही है, और जिन्होंने एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बताया वो भी सही है। ये दोनों ही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा एक्स टू है और ये हमारा वाई टू है। इसी प्रकार से मान लेते हैं ये हमारा एक्स वन है और ये हमारा वाई वन है, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स टू वाई टू होंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वन वाई वन होंगे। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो जो एक्स वन की वैल्यू है वो एक्स टू की जो वैल्यू है वो 5 है और एक्स वन की जो वैल्यू है वो 6 है, होल स्क्वायर कर देंगे यानी कि 5, -6 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू की जो वैल्यू है वो -2 है और हम यहाँ पर वाई वन की वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस साइन में था फार्मूले में और प्लस था तो ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाने के बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5, -1, 6 करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, 5 अगर हम 6 करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा और -1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर -2 और -4 ऐड हो जाएंगे तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पावर इवन होने की वजह से माइनस साइन का बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं है, तो आगे क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 1, -6 का होल स्क्वायर आएगा 36 और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 37 यूनिट। तो एवी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट,
37 यूनिट। तो यहाँ पर इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी प्रकार से जब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम बी को मान लेंगे एक्स टू और वाई टू, और यहाँ पर मान लेंगे एक्स वन और वाई वन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो फार डिस्टेंस बी सी, सो बी सी इज इक्वल टू वही हो जाएगा अपने पास अंडर रूट। अब बी वाले को हमने एक्स टू माना था तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो कि हमारा होगा सिक्स, और एक्स वन माना था हमने सेवन को, तो सिक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माना हमने फोर को। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन फार्मूले में है, एर वाई वन की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू, तो इसको हम एक और ब्रैकेट में रख लेंगे, और एक और ब्रैकेट में रखने की वजह से ये हमारा कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा होल स्क्वायर। सो फाइनली सिक्स माइनस सेवन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर प्लस टू सिक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो अगेन हमारे पास वन का स्क्वायर वन आ जाएगा और सिक्स का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और फाइनली जो बी सी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 37। और यूनिट कुछ दिया नहीं है किलोमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम यूनिट को यूनिट ही रहने देंगे। अब हम फाइंड करेंगे इसी प्रकार से ए सी। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो हम ए बी और बी सी के हेल्प से आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से जो ए सी की वैल्यू है वो भी बराबर आ गई तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो एक बार हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं। सो दिस फॉर डिस्टेंस ए सी, तो ए सी की जो डिस्टेंस होगी वो भी होगी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर जो हमारा एक्स टू और एक्स वन है वो बदल जाएगा, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, इसी प्रकार से इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1। तो चलिए फिर आगे पुट कर देते हैं इसको। तो यहां पर x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आपको पता है कि माइनस आने वाला है तो कर्ली ब्रैकेट हम पहले अप्लाई कर देते हैं। y2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू, माइनस साइन फार्मूले में है, और y1 की जो वैल्यू हमारे पास यानी a के कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस टू, तो माइनस टू को हम ब्रैकेट में रखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को अप्लाई कर देंगे। आपको पता है जब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट ये साइन माइनस का और इस साइन माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस साइन मिलेगा, यानी फर्दर हमें मिलेगा क्या, सेवन माइनस फाइव करेंगे तो टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू, ये माइनस टू इस माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस टू का होल स्क्वायर, और माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट फोर प्लस जीरो, तो फोर प्लस जीरो फोर ही आएगा, तो फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट, टू। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो ए बी है बी सी के बराबर है बट ए सी के बराबर नहीं है, सो वी कैन से ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफोर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो लेकर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।